तू देख ना सकी। जिस तरह से ये पुस्तक तुझे मिली है ना, उसी तरह से ये व्रत रखने का रास्ता भी तुझे ज्ञात हो जाएगा। ये समय साहस हारने का नहीं है, मुस्कुराने का है। मुझे तो लगता है आज तक जितनी कठिनाइयों का सामना तूने किया है, वो केवल तुझे इसी दिन के लिए तैयार करने के लिए थी। विकल्प कठिन है परंतु असंभव नहीं। तेरे शिव तुझे अवश्य मिलेंगे, और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना, तो केवल तेरे विवाह पर। और ऐसा नृत्य जो किसी ने कभी देखा ही ना हो। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती, किंतु योग्यता की परिभाषा क्या है प्रभु? व्यक्ति की क्षमता ही उसकी योग्यता बन जाती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। प्रेम का योग्यता से क्या संबंध है? प्रेम के अस्थि रूप को समझने की क्षमता ही प्रेम की योग्यता है देवी। सती मुझसे प्रेम अवश्य करता है, किंतु अब तक प्रेम को समझी नहीं है। वो मुझे केवल अपने लिए पाना चाहती है। उसका प्रेम बड़ा ही व्यक्तिगत है। केवल अपने तक सीमित है। किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके प्रेम में सर्वहित हो। जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। परंतु संसार की रचना के लिए सती का आपसे शीघ्र मिलन अनिवार्य है महादेव। मैंने संसार की रचना तो कर दी, परंतु संसार अभी भी अपूर्ण है। रस के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। संसार में रस के निर्माण के लिए आपको नाट्यशास्त्र की रचना करनी है। साहित्य के निर्माण के लिए व्याकरण की रचना करनी है। रोगों से निदान के लिए आयुर्वेद की रचना करनी है। और समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए योग सूत्र की रचना करनी है, ताकि मनुष्य अपना उद्धार कर सके। महादेव, आप कब तक ऐसे निष्क्रिय बने रहेंगे? संसार को आपकी रचनाओं की आवश्यकता है महादेव। अपूर्णता किसी भी रचना को जन्म नहीं दे सकती महादेव। और सती बिना आप अपूर्ण हैं। आप दोनों ये भली भांति जानते हैं। यदि पांच विकारों की सीमा में बंधी अयोग्य सती से मेरा विवाह हुआ तो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है।
ये सब जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सत्य है कि सती अभी वो सती नहीं जिनसे आपका मिलन हो सके, किंतु संसार को भली भांति चलाने के लिए सती का आपसे मिलन अनिवार्य। इसी कारण सती को अपने योग्य बनाना आपका दायित्व है महादेव। संभवतः आपसे विवाह के पश्चात और आपकी संगत से सती में परिवर्तन आ जाए। सती अपनी सीमा को तोड़ दे और सती आपके योग्य हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि विवाह के पश्चात सती योग्य नहीं हुई तो उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना होगा और मुझसे कहीं अधिक सती को। संसार का संचालन हम तीनों का दायित्व है। किंतु उसके लिए सती का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं।